हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास टेंथ के मैथमेटिक्स चैप्टर टू पॉलिनोमियल के पार्ट टू की बात करेंगे। एक्सरसाइज 2.2 ऑलरेडी इसमें करा चुके हैं इससे पहली वाली वीडियो में। तो इसमें एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट्स। इससे पहली वाली वीडियो में आपको फॉर्मूले बता चुका हूँ कि हम कैसे रिलेशनशिप फाइंड करते हैं जीरोज में और कोएफिशिएंट्स में। तो देखिए, सबसे पहले आपको बताया था कि अगर हमें जीरोज फाइंड करने होते हैं तो हम इसको ऐड कर लेते हैं एफ एक्स या पी एक्स। तो एफ एक्स इक्वल टू हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट, या इसको पी एक्स भी ऐड कर सकते हैं। तो पी एक्स हमने ऐड कर लिया एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट। तो आपको बताया था कि फोर जीरोज, हमें जीरोज अगर फाइंड करने हैं तो जीरोज फाइंड करने के लिए क्या होता है कि पी एक्स इक्वल टू जीरो होता है, पी एक्स इक्वल टू जीरो। तो इसके इक्वल में जीरो कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट इक्वल टू जीरो। अच्छा, इसके हमें जीरोज फाइंड करने पड़ेंगे। तो जीरोज कैसे फाइंड करते हैं स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पर एट है, ऑलवेज ध्यान रखेंगे, बहुत सिंपल वे में बता रहा हूँ आपको, समझ में आना चाहिए आपको। ये एट है, इससे पहले साइन कौन सा होता है, माइनस। अच्छा, सबसे पहले एक चीज और ध्यान रखेंगे, यहाँ पर पावर टू है, फिर यहाँ पर एक्स की पावर वन है, और लास्ट में आपका कॉन्स्टेंट टर्म है। तो इसी वे में इक्वेशन आपकी होनी चाहिए। अगर एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी लिखा होता है तो उसको और जो कॉन्स्टेंट टर्म है उसको मल्टीप्लाई करके फिर उसके फैक्टर करते हैं। तो देखिए, हमें यहाँ पर 8 के फैक्टर करने हैं। तो मैं यहाँ पर अगर 8 के फैक्टर करूँगा तो 8 के फैक्टर आ जाएंगे 2, 2, 2, राइट। तो 8 के फैक्टर हमारे ये हो गए। अब हमें इस 8 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि माइनस करने पर 2 आ जाए। यहाँ पर ये माइनस का साइन है, इसका मतलब माइनस करने पर 2 लाना है। तो देखिए, यहाँ पर हम ये जो 2, 2, 2 है इनको हम इस वे में ले लेंगे कि माइनस करने पर 2 आ जाए। तो देखिए कुछ नहीं है, 2, 2 जार 4 और ये 2, तो इसमें 4 माइनस 2 अगर हम करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो हमें यही करना है। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2 को हम नोट कर सकते हैं 4 माइनस 2, बहुत ही सिंपल वे में बता रहा हूँ, माइनस 8 इसको 0। इस वे में करोगे तो आपकी कोई मिस्टेक नहीं होगी। अदरवाइज देखिए, ये सभी स्टूडेंट्स के लिए है, यहाँ पर सिंपली समझ में आ जाएगा आपको। एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए इस माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे 4x हो जाएगा, एंड इस माइनस की इससे करेंगे तो प्लस 2x हो जाएगा, माइनस 8 इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, इन 2 में से कॉमन देखेंगे, आफ्टर दैट इन 2 में से कॉमन देखेंगे। तो यहाँ पर कॉमन आएगा हमारा x, क्या बचेगा x माइनस 4, इनमें से कितना कॉमन आएगा 2, क्या बचेगा आपका x माइनस 4 इक्वल टू 0। आफ्टर दैट ये x माइनस 4 इसमें भी है, x माइनस 4 यहाँ भी है, तो x माइनस 4 आपका कॉमन हो जाएगा। यहाँ से क्या बचेगा x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब हमें जीरोज फाइंड करने हैं, तो x माइनस 4 इक्वल टू 0, दैट इज x इक्वल टू 4, एंड एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, दैट इज एक्स इक्वल टू माइनस 2 हो जाएगा। तो हमारे पास जो जीरोज फाइंड हुए, तो जीरोज क्या हो गए, एक्स इक्वल टू 4 एंड माइनस 2। तो ये हमारे 2 जीरोज फाइंड हो गए, 4 एंड माइनस 2। तो आपको क्या बताना है, आपको रिलेशनशिप बतानी है बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट्स। तो जीरोज और कोएफिशिएंट्स से बताने, तो जो हमारी इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, राइट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोज, सबसे पहले हमें क्या बताना है, सम ऑफ जीरोज। अच्छा, सम ऑफ जीरोज, हमारे पास जीरोज है क्या, 4 माइनस 2, तो इनको प्लस करेंगे, 4 प्लस माइनस 2, इट्स मीन 4 माइनस 2 आपका आएगा 2, राइट। इसमें आपको एक बात ध्यान रखनी होती है, हमें इस वे में लिखना है, हम यहाँ माइनस लगाएंगे और यहाँ माइनस लगाएंगे, क्या हम लिख सकते हैं इसको, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इस वे में लिख लिया हमने इसे, अपोन में 1 कर लिया, अब इसको हम लिख देंगे माइनस। देखिए ये क्या है, माइनस 2 जो है इक्वेशन में क्या है, कोफिशेंट ऑफ एक्स। तो यहां पर लिखेंगे माइनस कोफिशेंट ऑफ एक्स अपोन 1, क्या है हमारा 1 है हमारा कोफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कुछ नहीं तो 1 लेट किया जाता है, इसको हम लिख सकते हैं कोफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये कोफिशेंट ऑफ x है और ये कोफिशेंट ऑफ x स्क्वायर हो गया, और यही हमारा सम ऑफ जीरोज माइनस कोफिशेंट ऑफ x अपॉन कोफिशेंट ऑफ x स्क्वायर। इससे पहली वाली वीडियो में आपको बताया था कि हमारा सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा वो आपका माइनस b अपॉन a या फिर कोफिशेंट ऑफ x अपॉन कोफिशेंट ऑफ x स्क्वायर होता है, राइट। अब इसी में आपका आता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, अब हम बात करेंगे इसके प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, हम इनका प्रोडक्ट करेंगे, जो हमारी जीरोज हैं, जीरोज क्या क्या है हमारे पास, 4 माइनस 2, तो 4 इंटू माइनस 2 दैट इज मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस 8। अब फिर से वही करेंगे, माइनस 8 अपॉन 1 करेंगे, और माइनस 8 क्या है, माइनस 8 है हमारे पास कॉन्स्टेंट टर्म,
कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन, और वन है हमारे पास कोफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इस टाइप से हमारा ये भी प्रूव हो गया, मतलब इसको हम सी अपॉन ए भी नोट कर सकते हैं। दैट्स इट, ये हमारा रिलेशनशिप इज वेरीफाइड, रिलेशनशिप इज वेरीफाइड। तो ये हमारे रिलेशनशिप वेरीफाइड हो गई है, क्लियर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। इसमें भी आपको सेम इसी वे में करना है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन में आपको नहीं बताया था कि b और a कभी आप नहीं समझ पा रहे हो, इसमें सिंपली बता देता हूँ। इसको हम ए एक्स स्क्वायर, दैट इज x नहीं s है, तो ए एस स्क्वायर प्लस बी एस प्लस सी ऑन कंपेयरिंग। अगर हम यहाँ पर कंपेयर करते हैं तो हमारी a की वैल्यू क्या आती है 4, और b की वैल्यू क्या आएगी हमारी माइनस 4, एंड c क्या होगा हमारे पास 1। तो करना वही है, इसको हम पी एक्स लेट कर लेते हैं, पी एक्स यहाँ पर s है तो हम इसको s ही लेट करेंगे, पी एस इक्वल टू हो जाएगा 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, राइट। फोर जीरोज आपको बताया था, अगर हमें जीरोज फाइंड करने हैं तो पी एस या पी एक्स इक्वल टू क्या होता है, जीरो होता है। तो यहाँ पर पी एस है तो पी एस ही लेकर चलेंगे, तो पी एस इक्वल टू हो जाएगा हमारा जीरो। अब पी एस हमारे पास क्या है, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 इक्वल टू जीरो। अब हम यहाँ पर मैंने बताया था कि एक्स स्क्वायर के साथ या एस स्क्वायर के साथ कुछ होता है तो उसको कॉन्स्टेंट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करके उसके फैक्टर करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास है 4 और यहाँ है 1, तो 4 और 1 इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, आफ्टर दैट प्लस करने पर हमें 4 लाना है। तो 4 के फैक्टर करने तो सिंपली आप बता सकते हैं 4 के फैक्टर क्या होंगे, 2 इंटू 2, और प्लस करने पर भी 4 आना है तो 2 प्लस 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर 4s स्क्वायर माइनस इसको 2 प्लस 2 एस प्लस 1 इसको टू जीरो, इट्स मीन 4s स्क्वायर माइनस यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2s माइनस 2s प्लस 1 इसको टू जीरो। अब स्टूडेंट्स देखेंगे इसमें कॉमन कितना आ रहा है इन दोनों में, यहाँ पर कॉमन आ रहा है 2s, क्या बचेगा 2s माइनस 1, माइनस इन दोनों में से कितना कॉमन आएगा 1, तो यहाँ बचेगा 2s माइनस 1 इसको टू जीरो। अब दोनों में से 2s माइनस 1 हो जाएगा कॉमन, यहाँ से कितना बचेगा 2s और यहाँ से कितना बचेगा माइनस 1, तो 2s माइनस 1 इसको टू जीरो। तो यहाँ पर 2s माइनस 1 इसको टू जीरो, दैट इज 2s इसको टू 1, इट्स मीन s की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 1 अपॉन 2। सेम टू सेम यहाँ पर भी ऐसे करेंगे 2s माइनस 1 इसको टू जीरो, 2s इसको टू 1, और s भी यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 1 अपॉन 2, इट्स मीन हमारे पास जो जीरोज आए वो क्या क्या आए 1 अपॉन 2 एंड 1 अपॉन 2, दोनों जीरोज कितने हैं सेम है हमारे पास, तो नो प्रॉब्लम। अब क्या करेंगे हम वेरिफिकेशन करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोज। तो क्या करते हैं सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज क्या होगा, दैट इज 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2। अच्छा ऐड करेंगे तो हमारे क्या आएगा, देखिए 2 अपॉन 2, 2 अपॉन 2 का मीनिंग क्या होता है 1, देखिए इसको हम 2 अपॉन 2 का मीनिंग 1 होता है, लेकिन हमें क्या करना है, देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान रखना होता है, यह है 4s स्क्वायर, मतलब हमारे पास 4s स्क्वायर माइनस 4s, यहाँ पर s का कोफिशियंट है 4 माइनस 4 और s स्क्वायर का कोफिशियंट है 4, तो हमें यहाँ पर 4 की नीड है, तो 4 की नीड है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब हम इसको लिख सकते हैं 4 अपॉन 4। उसके बाद मैंने आपसे बताया था कि हमें माइनस की भी नीड होती है, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें भी, मतलब माइनस और माइनस से इसमें लगाना पड़ेगा, इसमें माइनस ये जो माइनस 4 है हमारा वो क्या है कोफिशेंट ऑफ s, या फिर हम इसको लिख सकते हैं b, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस 4, तो हम b और a की वैल्यू है 4, हम इसको लिख सकते हैं माइनस b अपॉन a, या फिर इसको हम लिख सकते हैं माइनस कोफिशेंट ऑफ s अपॉन कोफिशेंट ऑफ एस स्क्वायर, राइट। तो ये आपका सम ऑफ जीरोज हो जाएगा। ऐसे ही अब इसमें हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के लिए करेंगे, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होंगे, दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, दैट इज 1 अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन 2, इट्स मीन ये हो जाएगा 1 अपॉन 4। अब वही करना है, 1 क्या है हमारा कॉन्स्टेंट टर्म, अपॉन 4 है हमारा कोफिशेंट ऑफ एस स्क्वायर, यही हमारा, इसको प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को हम अल्फा बीटा भी लिख सकते हैं, राइट। यहाँ पर हमारा सम ऑफ जीरोज चल रहा था तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा भी कर सकते थे,
ओके, तो इस टाइप से रिलेशनशिप इज वेरीफाइड, रिलेशनशिप इज वेरीफाइड। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यहां पर थर्ड पार्ट है 6x² - 3 - 7x। एक चीज आपको बताई थी कि हमें सबसे पहले पावर 2 चाहिए, फिर 1 चाहिए, आफ्टर दैट कांस्टेंट टर्म चाहिए, तो हमें इसको सबसे पहले इसी वे में लिखना पड़ेगा। तो हम इसको px लिख सकते हैं 6x² - 3 - 7x, बट आपको बताया था कि 6x² - 7x - 3 px हो जाएगा हमारा। अच्छा, इसको हम ax² - bx + c ऑन कंपेयरिंग कर सकते हैं। अगर हम इसकी कंपेयरिंग करेंगे तो हमारा a आ जाएगा 6 और b हो जाएगा हमारा -7 और c हो जाएगा हमारा -3। ये -7 ही आएगा बेटा, ax² + bx + c से कंपेयर करते हैं, तो a हमारा 6 हो जाएगा, b -7 और c -3, तो ये -7 है, ध्यान रखना। अब बात करते हैं 4 जीरोज। अगर हमें जीरोज फाइंड करने हैं तो जीरोज फाइंड करने के लिए आपको बताया था कि px = होगा 0। px की वैल्यू क्या है हमारे पास, 6x² - 7x - 3 = 0। इट्स मीन यहाँ पर 6 है और यहाँ 3 है, 6 3 = 18, 18 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि माइनस करने पर 7 आ जाए। तो फैक्टर करेंगे 2 9 = 18, 3 3 = 3 1 = 1, तो 2 × 3 × 3 होगा। तो देखिए हमें लाना क्या है, माइनस करने पर 7, तो 18 के ऐसे फैक्टर की माइनस करने पर 7 आ जाए तो क्या होगा बताइए, 3 3 = 9 - 2, तो 9 - 2 अगर करेंगे तो 7 बचेगा। तो वही करना है, 6x² - 9 - 2x - 3 = 0। तो 6x² - 9x इस माइनस से माइनस करेंगे तो +2x - 3 = 0। अब इन दोनों में से कॉमन देखेंगे हमारा क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है हमारा 3x कॉमन आ रहा है, दैट इज 2x - 3। यहाँ से 2x बचेगा, जब 3x कॉमन है, 3 2 = 6, x² में से x कॉमन है तो x बचेगा, इट्स मीन 2x - 3। प्लस इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है, जहां पर कुछ भी कॉमन नहीं होता वहां पर 1 कॉमन लेते हैं, आफ्टर दैट 2x - 3। अब सेम नंबर है 2x - 3, यहां भी 2x - 3, तो सेम कॉमन आ जाएगा 2x - 3, यहां से बचेगा 3x + 1 = 0। तो जीरो फाइंड करने के लिए 2x - 3 = 0 एंड 3x + 1 = 0। अच्छा, 2x - 3 = 0, दैट इज 2x = 3 हो जाएगा, तो x = 3/2, यहाँ पर 3x + 1 = 0 है, तो 3x हो जाएगा -1 और x हो जाएगा -1/3। इट्स मीन हमारे जो जीरो आए वो क्या क्या आ गए, 3/2 एंड -1/3, 2 जीरो आ गए। सेम टू सेम वही प्रोसीजर है, सम ऑफ जीरोज करेंगे तो 3/2 - 1/3 हो जाएगा, एलसीएम आएगा आपका 6। देखिए एलसीएम लेने के बाद 2 से 6 को डिवाइड करेंगे, 2 3 = 6, उस 3 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9, माइनस ऐसे 3 से 6 को डिवाइड करेंगे 2 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, तो 9 - 2 कितना बचेगा, 7/6, यहाँ पर 7/6 हो जाएगा। इट्स मीन अब आपको यहाँ पर देखना है 7 क्या है हमारा, वही प्रोसीजर अप्लाई करना है, --7/6, इसको हम लिख सकते हैं माइनस, और -7 क्या था हमारा, कोफिशेंट ऑफ एक्स अपॉन सिक्स क्या था हमारा, कोफिशेंट ऑफ x², यहाँ पर कोफिशेंट ऑफ x है -7 और 6 है हमारा कोफिशेंट ऑफ x², ये x है और ये x² का कोफिशेंट है। इस टाइप से हमारा अल्फा प्लस बीटा जो हो गया वो ये प्रूव हो गया, वेरीफाई हो गया। एंड अब करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। नाउ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की बात करते हैं, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 3/2 मल्टीप्लाई बाय -1/3, ये हो जाएगा 3 से 3 कट, -1/2 हो जाएगा। एक चीज ध्यान रखना, चाहो तो कट कर लो, अदरवाइज कट ना करके आप डायरेक्टली भी इसको लिख सकते हो -3/6। क्यों लिखा हमने, देखिए -3 क्या है हमारा, -3 है कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन 6 है हमारा कोफिशेंट ऑफ x², तो ये हमारा अल्फा बीटा हो गया। तो c हमारा क्या था, कॉन्स्टेंट टर्म -3 और ये 6 क्या था, कोफिशेंट ऑफ x². इस टाइप से हमारा ये भी हो गया। तो रिलेशनशिप इज वेरीफाइड।
रिलेशनशिप इज वेरीफाइड। इस टाइप से हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। एंड नेक्स्ट पार्ट है स्टूडेंट्स, देखिए नेक्स्ट पार्ट है 4u² + 8u। अब इसमें हमें देखना होगा ये भी हमारे पास क्या है, पी यू इक्वल्स टू 4u² + 8u। अच्छा यहाँ पर हमारे पास कांस्टेंट टर्म नहीं है, दैट इज कांस्टेंट टर्म हमारे पास क्या होगा यहाँ पर जीरो। तो ये चीज भी आप ध्यान रखेंगे कि कांस्टेंट टर्म जब नहीं होता तो कांस्टेंट टर्म क्या होगा हमारा जीरो। वही करना है हमें, यहाँ पर ए की वैल्यू क्या होगी हमारी 4 और बी की वैल्यू क्या होगी हमारी 8 एंड सी की वैल्यू होगी हमारी 0। क्या करेंगे 4 जीरोज, सेम प्रोसीजर है 4 जीरोज, क्या करेंगे पी यू इक्वल्स टू 0 एंड 4u² + 8u इक्वल्स टू 0। एंड अब इनमें से कॉमन देखेंगे, हमारा कॉमन आएगा 4u, यहाँ से बचेगा u प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर हमें जीरोस फाइंड करने हैं तो 4u = 0 आएगा एंड u प्लस 2 = 0 आएगा, तो u = 0 हो जाएगा एंड u = क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। ओके तो हमारे पास जो जीरोज आ गए वो क्या आ गए, एक तो 0 हो गया और दूसरा -2 हो गया। करना वही है सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज क्या होंगे 0 + -2, दैट इज प्लस करेंगे तो आपका -2 आएगा। आपको बताया था अपॉन में 1 लगाएंगे, बट हमें देखिए -2 भी नहीं है इसमें हमारी इक्वेशन में और 1 भी नहीं है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा हमें, हमारे पास 8 है और 4 है, तो 8 और 4 आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, -2 में कितने से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 4 से। यहाँ पर अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें, 4 से डिवाइड कर दें, देन नो एनी प्रॉब्लम, नो 4 × 2 = 8 और यहाँ पर आ जाएगा 4। यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी माइनस है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो -8 क्या है हमारा, 8 है कोफिशेंट ऑफ यू और 4 क्या है हमारा कोफिशेंट ऑफ यू स्क्वायर, तो इसी वे में आपको लिखना है माइनस कोफिशेंट ऑफ यू अपॉन कोफिशेंट ऑफ यू स्क्वायर। तो इस टाइप से ये हमारा अल्फा प्लस बीटा ये वेरीफाई हो गया। नाउ अब करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होंगे आपके 0 × -2, 0 × -2 क्या होगा 0। वही करना है, 0 के साथ अगर हम मल्टीप्लाई किससे कर दें 4 से और 4 से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऊपर 0 हो जाएगा अपॉन 4 हो जाएगा। अच्छा 0 क्या है हमारा सी, आई मीन जो कॉन्स्टेंट टर्म है वो 0 था और 4 क्या है हमारा कोफिशेंट ऑफ यू स्क्वायर, तो इस वे में इसको लिख सकते हैं कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कोफिशेंट ऑफ यू स्क्वायर, ये आपका अल्फा बीटा हो गया। तो इस टाइप से रिलेशनशिप इज वेरीफाइड, ये भी हमारी रिलेशनशिप वेरीफाइड हो गई है। एंड स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है t² - 15। अच्छा यहाँ पर हम अगर देखें तो यहाँ पर t नहीं है, आई मीन जो 1 पावर है वो इसमें नहीं है, तो इसके लिए क्या करेंगे यहाँ पर भी वही लैड करेंगे पी टी, एक्स था तो पी एक्स लैड कर रहे थे, यू था तो पी यू लैड कर रहे थे, टी है तो पी टी लैड करेंगे, तो पी टी इक्वल टू हो जाएगा t² - 15। देखिए इसमें आपको थोड़ा सा सिंपल वे में समझा देता हूँ, यहाँ पर टी स्क्वायर, यहाँ पर टी हमारे पास नहीं है तो हम इसको लिख सकते हैं 0t - 15। अब इसकी कंपेयरिंग अगर करेंगे तो ए आएगा हमारे पास 1, बी हमारे पास हो जाएगा 0 एंड सी आपके पास हो जाएगा -15। वैसे इसकी कोई नीड नहीं है लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि किसकी वैल्यू क्या होती है। 4 0, तो जीरोस फाइंड करने के लिए पी टी इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, दैट इज t² - 15 इक्वल्स टू 0, दैट इज t² = 15 एंड टी की वैल्यू हो जाएगी √15। और ऑलवेज ध्यान रखना प्लस माइनस में, आपको बताया था इससे पहली वाली वीडियो में कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है और उसमें अगर हमें जीरो फाइंड करने हैं तो 2 0 जाएंगे, तो 1 0 अगर आ रहा है तो इसका मतलब प्लस माइनस में आएगा रूट अगर फाइंड करते हैं, तो टी की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास √15 एंड -√15। करना वही सम ऑफ जीरोज, तो सम ऑफ जीरोज क्या होगा स्टूडेंट्स, √15 -√15, दैट इज कितना हो जाएगा 0। अब ये 0 हो गया, हम क्या हम 0/1 लिख सकते हैं, यस 0/1 मतलब माइनस भी लगा सकते हैं, माइनस यहाँ भी लगा सकते हैं 1, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज -0 और 0 कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो -0 क्या है कोफिशेंट ऑफ
टी अपॉन, और वन क्या है कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर, राइट। तो इस टाइप से आपकी वैल्यू हो गई, रिलेशनशिप हो गई, अल्फा प्लस बीटा आ गया। नाउ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अब हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होंगे आपके, अंडर रूट 15 इंटू माइनस अंडर रूट 15, ये आपका आ जाएगा। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो माइनस 15, देखिए कोई भी अंडर रूट हो अगर दोनों अंडर रूट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर आ जाता है सेम। तो माइनस 15, इसके अपॉन वन नोट कर लेंगे। माइनस 15 क्या है हमारा कॉन्स्टेंट टर्म, माइनस 15 कॉन्स्टेंट टर्म है, और वन क्या है हमारा कोफिशियंट ऑफ टी स्क्वायर। तो हम इसको लिख सकते हैं कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कोफिशियंट ऑफ टी स्क्वायर, राइट। तो इस टाइप से हमारा ये रिलेशनशिप अल्फा बीटा भी सॉल्व हो जाता है। तो रिलेशनशिप इज वेरीफाइड, ओके स्टूडेंट्स। देखिए नेक्स्ट है सिक्स पार्ट, अभी सिक्स पार्ट की बात करते हैं। यहां पर है 3x² माइनस एक्स माइनस 4, तो ये है फोर जीरोस। यहां पर हम इसको पी एक्स लेट कर लेते हैं, 3x² माइनस एक्स माइनस 4, फोर जीरोस क्या करेंगे, पी एक्स इक्वल्स टू जीरो एंड 3x² माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल्स टू जीरो। अब स्टूडेंट्स यहां पर क्या करेंगे, 3 और 4 इनके ऐसे फैक्टर करने हैं, 3 4 12 है, 12 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि माइनस करने पर 1 आ जाए। तो कुछ नहीं करना है, 4 में से 3 को माइनस कर देंगे तो भी आपका सिंपली आ जाएगा। तो 3x² माइनस 4 माइनस 3x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, तो 3x² माइनस 4x हो जाएगा। इस माइनस से ये माइनस प्लस होगा, 3x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों में से कॉमन देखते हैं, हमारा कॉमन आएगा x, क्या बचेगा 3x माइनस 4 प्लस इन दोनों में से कॉमन आएगा 1, ये बचेगा 3x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। आफ्टर दैट 3x माइनस 4 दोनों में से कॉमन हो जाएगा और यहां से बचेगा x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो ये सॉल्व हो जाएगा आपका। अब जीरोस फाइंड करने हैं तो 3x माइनस 4 इक्वल्स टू 0 एंड x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहां पर 3x इक्वल्स टू 4, सो x इक्वल्स टू 4 अपॉन 3 एंड x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, दैट इज x इक्वल्स टू माइनस 1। तो हमारे जो जीरोस आए हैं वो आए हैं x इक्वल्स टू 4 अपॉन 3 कोमा माइनस 1। सेम टू सेम वैसे ही करना है, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस हमें फाइंड करने हैं। तो सम ऑफ जीरोस क्या होंगे, 4 अपॉन 3 माइनस 1, सॉल्व करेंगे 3 एलसीएम आएगा, 4 माइनस 3 दैट इज 1 अपॉन 3। अब हमारे पास जो 1 है उसको क्या लिख सकते हैं, माइनस माइनस 1 अपॉन 3। एवरी क्वेश्चन में इसी वे में करना है, तो आपको सही से समझ लेने हैं सभी क्वेश्चंस को। एक टाइप के क्वेश्चन है सारे क्वेश्चंस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो माइनस माइनस 1 क्या है कोफिशिएंट ऑफ, अगर हम माइनस 1 की बात करेंगे तो क्या है कोफिशिएंट ऑफ x, और 3 क्या है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ x और इसको कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, राइट। इस टाइप से अल्फा प्लस बीटा हमारा आ गया, अल्फा प्लस बीटा आ गया। नाउ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, अगर हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करेंगे तो यहां पर आएगा 4 अपॉन 3 इंटू माइनस 1, दैट इज माइनस 4 अपॉन 3 हो जाएगा। तो कुछ नहीं कर रहे हैं, माइनस 4 क्या है इस इक्वेशन में, माइनस 4 है आपका कॉन्स्टेंट टर्म और 3 क्या है हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब अल्फा बीटा क्या हो जाएगा हमारा कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, राइट। इस टाइप से हमारा अल्फा बीटा, सो रिलेशनशिप इज वेरीफाइड, ओके स्टूडेंट्स। ये हमारा यहां पर प्रूफ हो गया। अब नेक्स्ट है इस टाइप से रिलेशनशिप एंड कोफिशिएंट ऑफ जीरोज, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स, ये आपके सारे क्वेश्चंस प्रूफ हो गए। इसी टाइप का क्वेश्चन आता है, आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर टू क्या है, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रेस्पेक्टिवली। देखिए आपको बताया था कि आपको क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल बतानी है ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रेस्पेक्टिवली। अच्छा ये है हमारा 1 अपॉन 4 क्या है सम ऑफ जीरोज, दैट इज अल्फा प्लस बीटा,
और ये माइनस वन है हमारे पास अल्फा बीटा, राइट, क्योंकि सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ इट जीरोस रेस्पेक्टिवली इतना गिवन है, हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताना है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती है। मतलब यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा है हमारे पास 1 अपॉन 4, एक्स प्लस अल्फा बीटा है माइनस 1, यहाँ पर हम 4 एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 4 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और ये 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 4। अब ये जो 1 अपॉन 4 है हमारे अपॉन में, इसको हम क्या कर देंगे, के ऐड कर देंगे, और ये 4 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 ये हमारा आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, सेम टू सेम सेकेंड पार्ट है इसका, इसमें भी अल्फा प्लस बीटा हमारा कितना हो जाएगा अंडर रूट 2, अल्फा बीटा हो जाएगा हमारे पास 1 अपॉन 3, वही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा हमारा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज है हमारे पास अंडर रूट 2, एक्स प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है प्लस 1 अपॉन 3, आफ्टर दैट एलसीएम आपका 3 आएगा, ये हो जाएगा 3। देखिए एलसीएम है तो इस 3 की मल्टीप्लाई सब में हो जाएगी, बस इसी में नहीं होगी, तो 3 एक्स स्क्वायर माइनस 3 अंडर रूट 2 एक्स प्लस यहाँ से वन बचेगा बस, तो ये वन अपॉन जो 3 होता है, देखिए अपॉन में जो भी होता है उसको हम के ऐड कर लेते हैं, और बाकी 3 एक्स स्क्वायर माइनस 3 अंडर रूट 2 एक्स प्लस 1 ये हमारा आंसर आ जाता है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाता है। ऐसे ही हमारी नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, इसको भी हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा क्या है हमारे पास 0, अल्फा बीटा है हमारे पास अंडर रूट 5, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है हमारे पास यहाँ पर, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस क्या है हमारे पास 0, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है हमारे पास रूट 5, यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर ये 0 हो जाएगा प्लस रूट 5 ये हमारा आंसर आ जाएगा। सेम टू सेम फोर्थ पार्ट है, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा भी 1 है, अल्फा बीटा भी 1 है हमारे पास, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस दैट इज 1 एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1, तो हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 ये आंसर आ जाएगा। ओके एंड नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट, यहां पर भी हमारा क्या है, 1 इज 1 अपॉन 4 एंड 1 अपॉन 4, सेम टू सेम अल्फा प्लस बीटा माइनस 1 अपॉन 4, अल्फा बीटा 1 अपॉन 4, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करेंगे तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज है हमारे पास माइनस 1 अपॉन 4 एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 1 अपॉन 4, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन 4 एक्स प्लस 1 अपॉन 4, अच्छा इसमें हम 4 एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 4 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, 4 को हम अभी बताया था आपसे के ऐड कर लेंगे, ये आ जाएगा 4 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ये हमारा आंसर आ जाएगा। ऐसे ही सिक्स्थ पार्ट है, इसमें भी अल्फा प्लस बीटा 4, अल्फा बीटा 1, सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस 4 एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1, इट्स मीन ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाएगी। ये बात ध्यान रखना, अगर अपॉन में कोई भी नंबर आ जाता है तो हमें उसको के ऐड करना पड़ता है, बट उसमें पहले एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के आफ्टर ही उसको सॉल्व करेंगे। तो इस टाइप से स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2, इसमें पार्ट 1 आपका कंप्लीट हो गया, पार्ट 2 अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करेंगे, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।